जितना मतलब सुंदर दिखता है, जितना खूबसूरत दिखता है, खासकर सर्दियों में अभी के टाइम पे यहाँ आना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है भाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त और मजे में होंगे। तो आज मैं पूरे 5 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और मतलब आप लोगों को पता होगा कि मेरे लास्ट वीडियोस में से कि मैं घर गया था, तो अभी मैं वापस आया हूँ श्रीनगर। कल मैं श्रीनगर आया था और मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेन में से, लेकिन जो टॉपिक मैंने सोचा था वो ना थोड़ा उसका अपोजिट हो गया, तो मैंने वीडियो वगैरह बनाया नहीं और मैं डायरेक्ट आ गया श्रीनगर। श्रीनगर में इसलिए आया क्योंकि हमारे इंटरनल्स अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी के लिए प्रैक्टिकल्स वगैरह बहुत काम है, तो मैं इसीलिए आया। तो मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाए लेकिन नहीं कर पाया, तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं, अभी के टाइम हम जाएंगे डल वाली साइड और आपको दिखाते हैं बाकी सीन्स। और हाँ, अभी चल रहे हैं हमारे एग्जाम, और अभी भाई मैं हूँ अपने रूम पे और ये रहे हमारे साथ अपने एडी भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया, बड़े टाइम बाद मिला है भाई। तो अभी बिल्कुल, तो अभी क्या है ना यार कि मतलब अभी हम सोच रहे थे मतलब काफ़ी बड़ी ट्रिप करने की, लेकिन एग्जाम की वजह से मैं फंसा हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं दूर चले गए यहाँ से डेट शीट वगैरह आ जाएगी तो बड़े मस्त हो जाएगी। भाई भी पढ़ता है लेकिन कॉलेज जाता नहीं है, वो अलग बात है। अभी है तो मैंने तो अब क्या करेंगे, अभी हमारे इंटरनल्स है, बीच में अगर 1 महीने का गैप मिला तो हम कहीं चलेंगे घूमने, तो फिलहाल यार मेरे एग्जाम्स है, अभी हम बाहर निकल के बाकी बातें करते हैं। तो चलिए भाई, तो ये ना भाई कि अभी इंटरनल्स है, लेकिन इंटरनल्स में ना आपको अपीयर होना काफी पड़ता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कॉलेज वालों ने आपको फेल कर दिया तो फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको कैसे पास कर सकते हैं, तो इंटरनल्स देना इज वेरी जरूरी। तो यही है, आज मैं गया था प्रैक्टिकल चेक करने अपना, तो लेकिन वो नहीं हुआ, मैम ने कहा कि आप वेडनेसडे आने के लिए, तो इनके भी अलग ही नखरे होते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं हम, हमें ये सब सहना पड़ता है। तो अब मेरे को जाना है परसों, फिर उसके बाद 8 को एक और एग्जाम है, 15 तक बोरे से खत्म करेंगे सारा, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल ये रही भाई की बाइक, केटी एम, तो हाँ भाई ने माउंट वगैरह एकदम बढ़िया जबरदस्त लगाया, हाथ में भी देखिए ये टर्बन के लिए रखा हुआ है इसने, है ना, क्योंकि इनको टर्बन होती है ना, तो हेलमेट इस पर लगा नहीं सकते, तो ये काफी बढ़िया काम करता है। तो फिलहाल अभी जाएंगे, हम जाएंगे डल वाली साइड, लेकिन मजा आएगा, आज सनसेट वगैरह देखेंगे। तो क्या, तो ये देखिए दोस्तों, एक जगह पे बिल्कुल डल गेट के साथ में, PRC ग्राउंड के साथ में लगाया हुआ है # श्रीनगर, आप लोग चाहे तो फोटो ले सकते हैं यहाँ पे। और ये रही यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस, तो चलिए फिलहाल देखिए क्या नज़ारा है। नाउ इट्स फेयरवेल टू ऑटम, फेयरवेल टू फॉल, ये देखो बिल्कुल सीजन एंड पे अभी, ये देखो बहुत ही सही। अभी ना हम आए हैं डल, लेकिन हम आए बैक वाली साइड से, डल गेट से ना वो पिछली वाली साइड से, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो वहाँ से पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक वाले होते हैं, चलान चलान हो जाता है, तो चलान से बचने के लिए हम यहाँ से आ गए। और ये देखिए भाई साहब, अभी जी हम पहुँच गए डल लेक, तो ये देखिए फिलहाल हम पहुँच गए हैं डल लेक, और ये नज़ारे माशाल्लाह क्या बात है। मेरा तुझे पता है, मेरा जो पहला वीडियो चला था ना, वो यहीं पे मैंने साइकिलिंग की थी, तो साइकिलिंग का मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था, लाइक 170,000 कुछ गया था एक, और दूसरा 1,00,000, मतलब कि डल लेक इज यू नो सो लकी फॉर मी कि 2-3 वीडियोस मेरे 1-1,00,000 गए हैं, लाइक वीडियो जर्नी में डल लेक मेरे लिए काफी वो अहम रहा है, कभी बूस्ट मिला है, महत्वपूर्ण बाजी जैसे बोल रहे अपने भाई हिंदी में, महत्वपूर्ण बढ़िया है। और ठंड बहुत बढ़ गई है आज भाई, मतलब मेरे हाथ में अभी फोन पकड़ा हुआ है ना, लिटरली मतलब मेरे हाथ सूख रहे हैं, हाथ चल ही नहीं रहे, अब भाई को ग्लोव्स लगे राइड कर रहे हैं, तो मेरे हाथ तो भाई खत्म है। तो फिलहाल ना यार तुम्हें मतलब यहाँ से बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी, ये ना साइड पे रखते हैं रेडी टाइप जो लगी हुई होती है, इनपे काफी अच्छी चीजें मिलती है शाम के टाइम, देखना चाहिए इनके पास अगर आपका सस्ता बजट है हमारी तरह। हाँ और फिर ना क्या हुआ था भाई की
जब मेरा वीडियो वायरल हुआ था, 1-2 लाख दो वीडियोस गए थे, उसके बाद ना दोस्तों इनकी नई साइकिल्स आई, जो ये साइकिल्स इनके पास थी ना, इसके बाद उनके इनने इसका नया एडिशन लाया, फिर जो है ना अपने इनविटेशन पे हमें बुलाया था जब इनने इनकी लॉन्च हुई थी ये, तो उस दिन इनने हमें बुलाया था, फिर राइड वाइड दी, बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह, प्राइज वगैरह, तो लंच वंच कराया, तो यार बड़ा अच्छा था यार, फीलिंग अलग है, फीलिंग बढ़िया बढ़िया यार। देखो यार अभी अगर हम YouTube कर रहे हैं ना, अभी हम जितना मर्जी पैसा कमाएं, लेकिन जब कोई लोग मिलते हैं ना, जब तुम्हें वो पहचान मिलती है ना, तो मतलब उससे ज्यादा खुशी होती है भाई, क्या होता है, अभी भाई को छोटे छोटे सब्सक्राइबर दो ही मिले थे, तो यार वैसे ज्यादा खुशी होती है, सच अगर इतना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सच में लगता है कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतनी खुशी पैसों से नहीं मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल पैसा ये खुशी नहीं देता है, सच बताऊं तो। अभी ना मैं चल हम वहां से बाइक पे आ रहे थे, तो आप लोगों ने मेरे पीछे देखा होगा क्या सनसेट क्या जबरदस्त दिख रहा है, लाइक जो गोल्डन आवर है, अभी जो कलर्स है वो काफी ब्यूटीफुल है, तो अभी हम रुक गए भाई, आप लोग को भी दिखाते हैं यहां से, ये देखिए, ओए होए 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 क्या बात है, ये देखिए और सनसेट और ये जो रेज है और साथ में शिकारा यार, कितना पोएटिक है, आप लोग देखिए यहां से, और ये रही यहां से शिकारा जो यहाँ पे है, ये मतलब आप हर घाट पे आपको ये शिकारा मिलेंगी, और वो रही सामने से हाउस बोट्स, अगर आपको लोगों को इससे उस साइड जाना होता हाउस बोट्स में, तो ये शिकारा लेके जाती है, बाकी आज सर्दी है तो राइड वाइड लोग कम करते हैं फिर भी, तो फिलहाल सनसेट देखिए कितना जबरदस्त है। भाई कहाँ तक जाते हैं, क्या बात है, बिल्कुल लेकिन पता है मेरे हाथ कितने ठंडे पड़ रहे हैं अभी जब मैं बना रहा हूँ भाई, वो मेरे को ही पता है, तुम पूछो मत मुझे कितनी ठंड लग रही है, पता है हवा मेरे को यहाँ से अंदर जा रही है भाई, हाथ कितने सुखड़ रहे हैं भाई, वो जितना खूबसूरत दिखता है खासकर सर्दियों में, अभी के टाइम पे यहाँ आना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है भाई, अगर आप प्रॉपर ये मतलब गियर्स के साथ नहीं आते हो, इन द सेंस की प्रॉपर कपड़ों में विंटर वाले उनमें, अभी तो मैं ये पहन के आया था, मेरे को लगा था हम बाहर तक जाएंगे, लेकिन बाइक पे आना बहुत बेकार हो जाता है भाई, सर्दी बहुत है भाई, को भाई ने टर्बन पहना हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, मेरे कान लाल, नाक लाल, हाथ का तो पूछो ही मत भाई, मत पूछो ही मत, कोई कोई नाक से तो अब वो आता रहेगा, बाहर करना पड़ता रहता है, अब सर्दियों में सबका यही होता है, इट्स नो रेड सीजन, रेड नो सीजन, बंद करता हूँ वीडियो वरना फोन गिर जाएगा भाई, भाई अभी मेरे कान बच गए, एडी भाई को मास्क साथ था, ये मास्क रहते रहा ना, तो अब मेरे कान तो चलो बच ही जाएंगे, अब बस हाथों का मसला है, चलो हाथ तो जेब में पॉकेट वॉकेट में डाल देता है बंदा, गर्म हो ही जाते हैं, तो कोई ना भाई, लेकिन इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव है ना, सर्दी बहुत है और ऊपर से अगर आप बाइक पे घूम रहे हो भाई, तोबा तोबा तोबा, कल से तो हम बाइक पे आएंगे ही नहीं, बहुत सारे बैंक देखे होंगे, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे बैंक जो भी, लेकिन आज मैं आपको बहुत जबरदस्त बैंक दिखाने वाला हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हाउस बोट्स, ये डल और पीछे हाउस बोट्स, तो दोस्तों ये ना सामने एक बैंक है SBI बैंक, ये यहाँ पे देखिए, ये है SBI बैंक, मतलब क्या बात है, मतलब अंदर जो बंदे होंगे क्या ही जबरदस्त काम करते होंगे, एकदम मस्त तरीके से, और ये रही यहाँ पे शिकारा, मतलब इस पे भी लिखा है ना SBI बैंक, क्या जबरदस्त है भाई, मतलब क्या क्या ही बोले दोस्तों, बहुत मस्त यार। ओ भाई अब लोगों ने सैफरन के बारे में सुना ही होगा, द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर, तो आपको उसके भाव भाव का तो पता ही है, मतलब बोल रहे हैं कि अराउंड 3 लाख 1 kg जाता है उसका, तो आज हम आपको पिलाएंगे केसर का कहवा, कैंगल जी 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 यस, वो भी डल लेक के साथ में, वो भी डल लेक, तो ये रहे हमारे एक अंकल जी जो यहाँ पे बेचते हैं, अंकल जी अब इस साइड आओ, इस साइड, तो भाई अब लोगों ने सैफरन के बारे में सुना ही होगा, द रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर, तो आपको उसके भाव भाव का तो पता ही है, मतलब बोल रहे हैं कि अराउंड 3 लाख 1 kg जाता है उसका, तो आज हम आपको पिलाएंगे केसर का कहवा,
कैंगल जी 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 ऐसे वो भी डल लेक के साथ है, वो भी डल लेक। तो ये रहे हमारे एक अंकल जी जो यहाँ पे बेचते हैं। अंकल जी अब इस साइड आओ, इस साइड। तो अंकल जी अब इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें जिंजर आता है, इलायची आती है, कैसर आता है और ड्राई फ्रूट। आप देखिए पता ही चलता है ये ड्राई फ्रूट है। ठीक, और ठीक। उसके पत्ते भी आते हैं खुशबू के लिए। ठीक ठीक, वो भी हम इसको मिला के देते हैं, उसको मतलब बॉइल करके उसकी सुगंध आप देख सकते हैं उसकी सुगंध कैसी है। अच्छी मतलब अच्छी महक आती है। क्या बात है, क्या बात है। ये यहाँ का बेस्ट है बिल्कुल, और बॉडी के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, बिल्कुल सही। अंकल जी बॉडी के लिए अच्छा है यार। एक और देना, दो हमने बोले थे। तो इस कप में अंकल जी क्या रहती है इसकी प्राइस? मतलब एक आधा 30 रुपीज। यहाँ रीजनेबल रेट भी है, ये ऐसी बात नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, रीजनेबल रेट हर कहीं मिलेगा। अच्छा, हर कहीं मिलेगा। वो तो है, जैसे ठीक ठाक है अंकल। जैसे तो इसमें होता है ये आप देख सकते वॉलनट है। तो लेकिन काफी अच्छा है आपको चखने में भी। जब शिकारा राइड अब करेंगे वहाँ आपको 500 रुपए मिलता है। अंकल ने हमें 30 में दे दिया, तो अच्छा है। दिल बहुत भरा है। लेकिन यार वो क्या बोलते है ना, शाम की इस मैक के साथ साथ अपने दोस्त के साथ इसमें चाय था, हमने कावा चाय। सर्दी कहवा ठंड और अपना पाजी हो गया अंकल जी। गले के किनारे खासकर स्टिंग बाय रिवर साइड विद दिस कहवा इज यू नो अनपेड थेरेपी। सच में अनपेड थेरेपी जो